जय हिंद, वेलकम टू एजुकेशन ब्रिज। डियर फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं एक अचर और एक अवकलनीय फलन के गुणनफल का अवकल गुणांक, मीन्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए कांस्टेंट एंड ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो हम मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू सी यू, जहां u x का कोई फलन है और c अचर है। इसको इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं, जहां u x का फलन है, फंक्शन है, तथा c एक अचर है, कॉन्स्टेंट है। अब यदि x के मान में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x हो तो इसके संगत u के मान में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा u होगा, तथा y के मान में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा वाई होगा। जैसा कि आपने देखा कि u x का फलन है, तो यदि x के मान में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x हो तो उसके संगत u के मान में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा u होगा। और यहां y जो है u का फंक्शन है, इसका मतलब हुआ कि y x का भी फंक्शन होगा। जब u x का फंक्शन है और y u का फंक्शन है, तो निश्चित रूप से y x का फंक्शन होगा, मीन्स y का मान x के मान पर निर्भर करेगा। तो जब x का मान x से बदल कर डेल्टा x होगा, तो y का मान भी बदल कर y प्लस डेल्टा y होगा, यानी y के मान में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा y हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में y प्लस डेल्टा y ये हो जाएगा आपको c इंटू u प्लस डेल्टा u। लेकिन c अचर है, c के मान में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर दो। अब समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर, समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर ये हो जाएगा आपको y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू c इंटू u प्लस डेल्टा u होगा, और ये हो जाएगा आपको माइनस c u। क्लियर है? प्लस y माइनस y कैंसिल आउट, ये हो जाएगा आपको डेल्टा वाई इज इक्वल टू, और सी से दोनों में गुना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये हो जाएगा आपको सी यू प्लस सी इन टू डेल्टा यू माइनस सी यू। तो प्लस सी यू और माइनस सी यू कैंसिल आउट, ये हो जाएगा आपको डेल्टा वाई इज इक्वल टू सी इन टू डेल्टा यू। इसके बाद हम दोनों तरफ डेल्टा x से भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा आपको डेल्टा y by डेल्टा x इज इक्वल टू c इंटू डेल्टा u by डेल्टा x। डेल्टा x से भाग देने पर
स्पष्ट है किसके बाद हम लिमिट लेंगे, जब डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हो तो ये हो जाएगा आपको लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू सी इन टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स, दोनों तरफ लिमिट लेने पर जब डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो तो स्पष्ट है कि ये हो जाएगा आपको डी वाई बाई डी एक्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और ये आपका सीन तो ये हो जाएगा आपको डी यू बाई डी एक्स। इसका मतलब यह हुआ कि एक अचर और एक अवकलनीय फलन का डेरिवेटिव अचर और अवकलनीय फलन के डेरिवेटिव के गुणनफल के बराबर होगा, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इन टू डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। उम्मीद है समझ गए होंगे, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।